नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बनने का जो इतिहास है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आखिर समझने वाली बात क्या है कि आप ऐसे समझ लो कि जो भारतीय संविधान है वो किसी को रात में सपना तो नहीं आया होगा कि ऐसा ऐसा भारत देश चलना चाहिए, वो कई चरणों में होगा। हमारे देश में सबसे अधिक जो इन्फ्लुएंस रहा है वो ब्रिटिशर्स का रहा है, सबसे अंतिम काल में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो इससे एक बात साबित होती है कि भारत में अगर बात किया जाए संविधान बनने की प्रक्रिया का, तो अंग्रेजों का योगदान रहा है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन हम उनके ही बनाए हुए कानून के हिसाब से चलते रहे थे। इसीलिए जब हमारा खुद का संविधान बना तो उसमें कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि पहले से हम उसके शासनकाल में जी रहे थे। तो इसी तरीके से आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने वाले हैं। तो भारत का संविधान इतिहास का निर्माण जो है वो कई चरणों में माना जा सकता है। अगर हम 18वीं शताब्दी से शुरुआत करेंगे तो 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का जो 50 वर्ष है, 47 वर्ष है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी प्रमुख कार्य किए गए या फिर जो चीज़ें ऐसा आपको लगता हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे कानून में कहीं ना कहीं आज भी परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, तो उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो इससे भी कुछ प्राविधान हैं जो कि आज भी हमारे संविधान में दिखाई देते हैं। और एक बात मैं अभी बताता चलूं कि जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अलग अलग मैंने सबको वीडियो बनाया है, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हमने हमारे चैनल पर अलग से वीडियो बनाया है, ये सारे वीडियोज आप देख सकते हो। लेकिन ये सारी समरी जो है एक वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि हमारे संविधान में आज भी दिखाई देती है। चार्टर एक्ट 1813 की बात किया जाए, चार्टर एक्ट 1833 की बात किया जाए, चार्टर्ड एक्ट 1853 की बात किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लागू किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मार्लेमिंटो रिफॉर्म 1909 की बात किया जाए, मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 की बात किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो, इसका सबसे अधिक योगदान रहा है क्योंकि ये लेटेस्ट था और इसमें बहुत सी चीज़ें हमने इसमें से सीधा ज्यों का त्यों कॉपी कर दिया है और कुछ चीज़ें इसको सुधार करके इसमें अपने हमारे संविधान में रखा गया है। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की बात किया जाए, तो ये सारे आपके प्रोफार्मा थे, ये सारे आपके कुछ कानून थे जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के संविधान के इतिहास को बया करते हैं या दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, इसका इतिहास समझते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रमुख बातें थी, क्यों हमें इसको जानना चाहिए, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश के संविधान का इतिहास बन सकता है, समझते हैं। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर पार्लियामेंट का रेगुलेशन शुरू हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश को परेशान करके रख दिया था और इसने वो आई थी व्यापार करने के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जवाबदेह शुरू किया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था वही इंडिया का भी गवर्नर जनरल हुआ करता था। वारन हेस्टिंग्स ऐसा पहला आदमी था जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसके साथ साथ इंडिया का ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी था, मतलब ब्रिटिश की तरफ से भारत में नियुक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग्स साथ में था, ऐसा पहला आदमी था। गवर्नर जनरल जो होता था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में, चार मेंबर उसके साथ होते थे, वही देश की शासन व्यवस्था देखते थे। बंगाल के अंतर्गत की बात किया जाए तो बॉम्बे व मद्रास भी बंगाल के अंतर्गत ही रखे जाते थे, मतलब कि बंगाल प्रमुख है उसके अंतर्गत बॉम्बे मद्रास रखे जाते थे। इसमें प्रशासन की बात किया जाए तो बंगाल के अंतर्गत ही रखा जाता था, मतलब कि प्रशासन जो है वो बंगाल से चलाया जाता था, बॉम्बे और मद्रास का भी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, अपेक्स कोर्ट 1774 में बनाया गया। सरकारी लोग प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकते थे, ऐसा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में शुरुआत की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसमें जो सरकारी व्यापारी थे वो अपनी तरीके से व्यापार करके निजी लाभ खूब कमाने लगे थे और कंपनी को घाटा होने लगा था, तो इसलिए कंपनी ने ऐसा फैसला लिया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चार्टर्ड एक्ट 1813 की बात किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली व्यापार में समाप्त कर दी गई। मात्र चाय और ओपियम ऐसे क्षेत्र थे जिसमें कि व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था, अदरवाइज अन्य सभी के व्यापार के लिए, चाहे वो आपका कपास की खेती हो, चाहे वो कपड़े बनाने हों, कोई मशीनरी हो, ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी मोनोपोली छीन ले गई। मोनोपोली से मतलब होता है कि एक छत्र व्यापार करना, मतलब अकेले सर्वेसर्वा होना, आपका कंपटीशन में कोई भी ना हो। जैसे आज के डेट तक बात किया जाए तो रेलवे जो है वो आपका भारत सरकार की है, तो इसमें केवल भारत सरकार ही कानून बनाती है, भारत सरकार ही उसमें लागू करती है, भारत सरकार ही ट्रेन चलाती है, लेकिन धीरे धीरे इसको पीपीपी मॉडल के द्वारा इसको चेंज किया जा रहा है। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त करने का काम चार्टर्ड एक्ट 1813 ने किया था। चार्टर्ड एक्ट 1833 की बात किया जाए तो गवर्नर जनरल जो बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो आपका अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने लगा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स जो था वो आपका पहला ऐसा आदमी था कि जो गवर्नर जनरल बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। मद्रास और बंगाल जो थे उसके लेजिस्लेटिव पावर को समाप्त कर दिया गया।
ठीक है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र भी, यहाँ पे बंगाल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मद्रास और मुंबई लिखनी चाहिए, आपका बॉम्बे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मद्रास और बॉम्बे का जो लेजिस्लेटिव पावर थी, क्योंकि प्रदेशों को अपना खुद का कानून बनाने का अधिकार कुछ समय तक प्राप्त था, लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1833 में उनको लेजिस्लेटिव पावर जो है वो आपके समाप्त कर दी गई। कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटी को समाप्त कर दिया गया, कंपनी को अब व्यापार का काम नहीं दिया गया, उसको केवल प्रशासनिक बॉडी दिया गया, प्रशासनिक बॉडी बनाकर रख दिया गया कि प्रशासन से संबंधित कोई भी दिक्कत भारत में होती है तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार होगी। आगे समझते हैं, आगे जो है प्रमुख एक्ट है चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को एक काउंसिल प्रदान की गई जिसमें लेजिस्लेटिव पावर को अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव पावर को अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ लोग यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर में काम कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव पावर में काम नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों को अलग कर दिया गया, लेकिन दोनों का हेड कौन है, गवर्नर जनरल ही है। इसमें पावर सेपरेशन कर दिया गया 1853 में, इसको आप समझिएगा। यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव अगर बात किया जाए तो इसमें 6 सदस्य होते थे, 4 जो सदस्य थे वो अलग अलग प्रदेशों से आते थे। कहाँ कहाँ से? 4 तो प्रोविंस प्रदेश हुआ करते थे, मद्रास, बॉम्बे प्रोविंस, आगरा प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस। इन 4 जगहों से 4 सदस्य आते थे, 2 गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे सेंटर से। तो ये 6 सदस्य आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ करते थे। सिविल सर्विस की बात किया जाए तो ओपन प्रतियोगिता के द्वारा चुनना शुरू किया गया सिविल सर्वेंट, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी देश को चलाने के लिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी चलाने के लिए कुछ उसमें सदस्य, कुछ मेंबर होने चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर को नियुक्त करने का काम जो होता था वो पहले सिविल सर्विस के द्वारा होता था, लेकिन उसमें ओपन कंपटीशन नहीं होता था, उसमें एक विद्यालय होता था। अगर जो व्यक्ति उसमें पढ़ लिया, ये आपका ब्रिटिश ब्रिटेन में संबंधित है, तो एक विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद उसको सीधा नियुक्त कर दिया जाता था एज अ प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन अब उसके लिए पहले ओपन प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। ये आपका 1853 की चार्टर्ड एक्ट में शुरुआत हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात किया जाए तो 1858 में इसकी शुरुआत की गई। तो 1857 में स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, आप जानते हो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति, इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हमारे भारत देश का शासन हो गया था। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलोनी नहीं रहे थे, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी की जगह पे ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी बन चुके थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात किया जाए तो उसकी एक ऑफिस को बनाया गया जिसमें 15 सदस्य रखे गए। यहाँ पे ये एक नई घटना थी। भारतीय शासन वायसराय के द्वारा संचालित किया जाना शुरू किया गया, वायसराय ही गवर्नर जनरल ही कहलाएगा। लॉर्ड कैनिंग ऐसा पहला व्यक्ति बना जो कि गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था। आपने शक्तिमान देखा होगा तो शक्तिमान में कहता ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक उसी तरीके से वायसराय ही गवर्नर जनरल है, अब आप इसको ऐसा बोल सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात किया जाए या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात किया जाए तो ये सभी को एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये प्रमुख घटनाएं थी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। अगर आगे बात किया जाए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात, तो इसमें वायसराय की जो काउंसिल है उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1861 में शुरुआत की गई। 3 भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया वायसराय की काउंसिल में। आप जानते हो कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का आपका मिनिस्ट्री होती है, ठीक उसी तरीके से जो क्षमता थी वो वायसराय के काउंसिल में भी थी उस जमाने में। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात किया जाए तो इसमें भी प्रवेश की इजाज़त मिल गई, लेकिन अभी भी कोई भी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता था। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। कई बार आप पोर्टफोलियो नहीं समझ पाते हैं तो आप सिंपली ये समझिए कि अलग अलग मंत्रालय, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय अलग होता है, रक्षा मंत्रालय अलग होता है, विदेश मंत्रालय अलग होता है, राजस्व मिनिस्ट्री अलग होती है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें, सड़क और परिवहन मंत्रालय अलग होता है, उड्डयन मंत्रालय अलग होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती हैं। इसके सिस्टम की शुरुआत कब की गई? 1861 में। ये सारी बातें आप जानिए। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रारंभ। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या मतलब है कि जो केंद्रीकृत प्रशासन है, मतलब सारा चीज़ केंद्र आपका अपने हाथ में रखना चाहता है, उससे थोड़ा सा रियायत दी गई। किसमें? जो आपका 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट आया था उसके अंतर्गत। इसमें बंगाल के अलावा मद्रास और बॉम्बे को भी लेजिस्लेटिव पावर दी गई, मतलब बंगाल के अलावा मद्रास और बॉम्बे भी अपना लेजिस्लेटिव, अपना थोड़ा सा संविधान में संशोधन करके कानून बना सकते हैं, ऐसा अधिकार मद्रास और बॉम्बे को प्राप्त हुआ। कब? 1861 में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे, ये एक बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और बहुत सही चीज़ है। इसमें कई बार एग्जामिनेशन खूब ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात किया जाए तो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, मतलब पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा नाम कोई भी सुनने को आया। इसमें नॉमिनेशन होने लगा, ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में आप जानते हो क्या अंतर होता है, फिलहाल इसको समझिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या बढ़ा दी गई, इसमें बजट पर डिस्कशन और प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो भारतीयों को भी दिया जाने लगा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात किया जाए, इसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे के हिसाब से भी जानते हैं, हम इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बार शुरुआत की गई। अब यहाँ पे अंतर समझिएगा,
अगर परीक्षा में आपको इनडायरेक्ट पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आपको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों की भर्ती होना की शुरुआत हो जाएगी, उसको नियुक्त किया जाने लगा था। ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात किया जाए तो इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो अब उसका नाम चेंज होकर के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा चुकी थी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई थी। सेपरेट कम्युनल चुनाव जो है उसकी शुरुआत की गई थी और इसको एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था कि जाति के आधार पर पृथक चुनाव की व्यवस्था की जाएगी। वायसराय की बात किया जाए तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें पहली बार भारतीय सदस्य शामिल हुए। अभी आप सोचोगे कि मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय सदस्यों की शुरुआत हुई थी, तो मैंने केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को चुना जाना शुरू किया जा चुका था, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात किया जाए तो उसमें पहली बार जब भारतीय सदस्य आए थे तो वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी आए थे, जो कि एक लॉ मेंबर बने थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ठीक उसी तरीके से है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे कि आज के डेट में लोकसभा होती है, या मान लीजिए कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वही काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जो चीज़ें प्रमुख हैं जो कि भारतीय संविधान में दिखाई देती हैं, उसमें मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड जो रिफॉर्म किए गए थे उसमें क्या क्या बातें की गई थी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उन दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब आप जानते हो जैसे कि हमारे देश में आज भी तीन तरीके के सब्जेक्ट या तीन तरीके के विषय देखने को मिलते हैं। एक आपका कंकरेंट लिस्ट दिखता है दिखाई देता है जिसमें कि प्रदेश भी अपना कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा, तो शिक्षा विभाग जो है उसमें प्रदेश सरकार भी अपना विद्यालय चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना विद्यालय चलाती है। प्रदेश सरकार भी अपना कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कानून बनाती है। प्रदेश सरकार भी अपनी नियुक्तियाँ और जो शिक्षा से संबंधित जो भी विषय हैं उस पर अलग से कानून बनाती है, सरकार भी बनाती है। इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात किया जाए तो वहाँ पे डायरकी की शुरुआत की जा चुकी थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो थे वो रिजर्व लिस्ट के लिए भी जिम्मेदार होते थे। इसमें लिस्ट जो है वो अलग अलग लिस्ट बनाई जाती थी। इसमें रिजर्व लिस्ट जो होता था उसके लिए कौन जिम्मेदार होता था, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो होते थे रिजर्व लिस्ट के लिए जिम्मेदार थे। पहले क्या होता था, एक होता था ट्रांसफर्ड लिस्ट या फिर ट्रांसफरेबल लिस्ट होती थी, उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ही जिम्मेदार होता था। और एक्चुअली में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता था वही इलेक्ट होकर के जनता से आता था। तो कहने का मतलब मजा कौन उठाता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब वो कानून बनाता है लेकिन वो जनता के लिए जिम्मेदार नहीं होता था। लेकिन अब जब रिजर्व लिस्ट भी शामिल कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, तो अब वो जनता के का जो प्रतिनिधि हो गया, कहने का मतलब कि जनता को जवाबदेह हो गया, वो जिम्मेदार बना। मंत्रिपरिषद जो है वो आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट के लिए जिम्मेदार होता था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन रिजर्व लिस्ट के लिए जिम्मेदारी जो होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स को दे दी गई। मंत्री जो होते थे वो नॉमिनेट किए जाते थे, मेंबर्स जो कि चुने गए थे चुनाव में, मतलब जो इलेक्शन में चुने गए सदस्य होते थे उन्हीं में से मंत्री को चुना जाता था। जैसे आज के डेट में आप लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, मंत्री मतलब कि सदस्य चुनते हो, तो सदस्य में ही कुछ लोगों को क्या बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। सेंटर की बात किया जाए तो सेंटर में बाई कैमरिज्म लेजिस्लेटिव की शुरुआत पहली बार की गई। बाई कैमरिज्म मतलब कि द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब कि द्वि सदन का मतलब जैसे राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, तो उस समय पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई, 1919 के आपके संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी जो आज के डेट में राज्यसभा के नाम से जानी जाती है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती थी वो आपका लोकसभा के नाम से जानी जाती है, ठीक वही कार्य ये दोनों करते हैं जो कि पहले जमाने में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल किया करते थे। इसके द्वारा वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तीन भारतीय सदस्यों को नियुक्त करता है। अब बात किया जाए जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसका गठन पहली बार किया गया। सिविल सर्वेंट तो हमारे देश में पहले से लोग होना शुरू हो चुके थे, लेकिन प्रॉपर पब्लिक सर्विस का जो गठन था वो आपका अब किया गया था। कब, 1919 के जब आपका वहाँ पे एक्ट आया था। इसमें 10% लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, सभी को तो नहीं लेकिन 10% लोगों को वोटिंग करने का अधिकार जो है वो आपका इस एक्ट के तहत प्राप्त हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात किया जाए तो इसकी प्रमुख बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का जो प्रस्ताव है वो आपका यहाँ पे पेश किया गया। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट जो है वो मिल करके ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, एक भारतीय संघ बनाएंगे, ऐसी विचारधारा का प्रस्ताव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था। अब इसमें समझते हैं कि सब्जेक्ट जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल, प्रोविंशियल, कंकरेंट लिस्ट। तो जो विषय थे, जो कार्यों के विषय थे, उसमें फेडरल लिस्ट बनाई गई, जो संघीय ढांचा था उसको चार्ज दिया गया। प्रोविंशियल जो भी लिस्ट थे उसको प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई। कंकरेंट लिस्ट था, इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों इसमें जिम्मेदार थे। अब डायरेक्टी जो है वो प्रदेशों से समाप्त कर दी गई, इसमें केवल केंद्र में डायरेक्टी लागू की गई। प्रदेशों को ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रदान की गई, इसमें से 11 प्रदेश उसमें बनाए गए थे। 1935 तक हमारे देश में 11 प्रदेश थे, उसमें से 6 प्रदेश जो थे
यहाँ पे मैं एक बार आपको हटा कर दिखाता हूँ। यहाँ 6/11 लिखने का मतलब है कि 6 ऐसे प्रदेश है जहाँ पे बाइकैमरलिज्म प्रशासन शुरू हो चुका था। जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि कई प्रदेशों में विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, लेकिन हर प्रदेश में नहीं होता। तो ठीक वही काम आपका अंग्रेजों के ज़माने में भी उसकी शुरुआत की गई थी। इससे ऑटोनॉमी मिलती है कि प्रदेश अपने लिस्ट के जितनी भी चीज़ें हैं उस पर खुद कुछ कर सकते हैं। फेडरल कोड की बात किया जाए तो उसका प्रारंभ किया गया, इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। कई बार आपसे पूछा कि इंडियन काउंसिल को किस अथॉरिटी के तहत, किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो 1935 के तहत समाप्त किया गया। वर्मा और अडान को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। अडेन हो गया, आप जानते हो कि इसमें वर्मा और अडेन, ये दोनों चीज़ों को, दोनों क्षेत्रों को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के एक्ट के तहत। बर्मा का अलग से कानून बनाया गया था। आरबीआई की स्थापना भी 1935 में ही की गई थी। स्वतंत्र संविधान जो बनने तक लागू जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 जो है, जब तक कि हमारे देश का संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 तक, तब तक इसी के द्वारा हमारे देश का शासन चला है। लास्ट में आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में समझेंगे। तो भारत स्वतंत्र और संप्रभु घोषित हो गया, घोषित होगा, ऐसी व्यवस्था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में की गई। वायसराय व गवर्नर जनरल संवैधानिक हेड बनेंगे, जब तक कि नया आपका कोई भी सरकार नहीं आ जाती, जब तक कि नया कानून नहीं बन जाता, उसमें आपका यही व्यवस्था की गई। सेंटर व प्रदेशों की गवर्नमेंट को बनाया जाएगा, उसमें चुनाव होंगे, उसमें सेंटर और प्रदेश की गवर्नमेंट बनेगी। संविधान सभा के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होगी, वो दोनों पावर के तहत में तब तक काम करेगी जब तक कि संविधान नहीं बन जाता है। आगे समझते हैं कि आखिर जो संविधान सभा है उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में समझेंगे। उसने कैसे हमारे भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए कैसे कार्य किया, उन सभी बातों का डिस्कशन हम आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।